हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग इस नए लुक के साथ, नए ट्रिप के साथ और नए ब्लॉग के साथ आपका फिर स्वागत करते हैं। राम 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 कर रहे हैं भाई, राम राम इसका भी स्वीकार कीजिए। तो आज हम कहीं दूर जाने वाले हैं, कुछ नई लोकेशन आपको बताने वाले हैं। पहली बार हम आपको अपने ब्लॉग में दिखाएंगे उस लोकेशन के बारे में, तो पूरा ब्लॉग आप इंजॉय कीजिए, आपको पता चल जाएगा आगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। और भाई बोलना चाहेंगे कुछ क्या? बोलना गाइस, बस बने रहिए और दिखाते हैं आपको कितनी दूर है। बहुत लॉन्ग ट्रिप है आज और बहुत ही मस्त ट्रिप है, बहुत ही अच्छी जगह है, प्रसिद्ध जगह है, आपको पता चल जाएगा। बने रहे हमारे साथ। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अभी यहाँ पे भगवान के मंदिर थोड़ा आगे, और देखिए किस प्रकार से बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे, ऊंचे ऊंचे एकदम आसपास पेड़ बोलते हैं इनको, और बहुत ही हरियाली छार की तरह झोल के डांडे में, और डांडा बहुत ही अब तो नज़दीक है डांडा, शायद थोड़ी दूरी पर डांडा है। और देखिए कितना अच्छा नज़ारा है प्रकृति का, ये देखिए आसमान कितने मस्त आसमान है, और देखिए पेड़ कितने ऊँचे ऊँचे एकदम, इनकी ऊँचाई लगभग 200 मीटर तक होती है गाइस। और देखिए क्या व्यू है गाइस, वाह ये राकेश भाई। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं पौड़पेणी बोलते हैं यहाँ पर, नीचे कुछ खरक हैं, कुछ छप्पर हैं इधर नीचे, और ये है जो आपके सामने दिख रहा है पेड़, ये प्राकृतिक फ्रेम है भाई, यह प्राकृतिक फ्रेम, यहाँ से लोग फोटो खींचते हैं। ये देखिए आप क्या प्रकृति की देन है कि बीच में से क्या फ्रेम है इसका, और अगल बगल से ये फोटो लेने का है, और नीचे इधर कुछ छप्पर हैं। देखिए गाय भैंस क्या चल रहे हैं इधर यार, और देखिए गाइस कितने सारे छप्पर हैं उधर, तो कोहरा लगा है घना, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा साफ साफ, फिर भी आपको दिखाने का प्रयास रहेगा हमारा। तो गाइस आप देख सकते हैं कितने ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं इधर, रासल के अलावा जो ये आपको वृक्ष देख रहे हैं इसको खेरू बोलते हैं गढ़वाली में, तो खेरू के वृक्ष भी काफ़ी ऊंचे होते हैं, और ये फिर से रासल के वृक्ष हैं, और ये नीचे इधर से पौड़पेड़ी का छपरा होता है, हमारे इधर का पौड़पेड़ बोलते हैं, तो हमारे गाँव के जो लोग हैं वो इधर जाते हैं। पत्थर पर एक बहुत बड़ा मंदिर है, उसको दिखाते हैं आपको कुछ देर बाद। फिलहाल आप यहाँ का व्यू का आनंद लीजिए यार दोस्तों, क्या डांडा है बोलते हैं इसको, क्या मस्त व्यू आ रहा है इधर से, चारों ओर कोहरा फैला हुआ है, और पेड़ देखिए आप। तो यह है कुछ इस प्रकार का रास्ता, और इधर वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की जो समाधि स्थल है ये ऊपर है, तो उसको भी दिखाते हैं आपको बाद में, बने रहिए। और गाइस काफ़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद जो आपके सामने दिख रहा है ना वो वीरचंद्र सिंह समाधि है, थोड़ा दिखाई दे रहा होगा आपको, इसको बाद में दिखाएंगे हम आपको, देख रहे हैं आप इसको बाद में दिखाएंगे हम आपको। फिलहाल हम चलते हैं विंछरदेव मंदिर में। हेलो, तो गाइज ये आप देख सकते हैं ये कितने सारे छप्पर हैं, ये रामड़ा मल्ला के छप्पर हैं, जो कि गैरसन का एक छोटा सा गांव है। तो यहाँ पर हमारे भाई लोग कुछ हमको रुके हैं, तो हम आप किसके बाद जाएंगे मंदिर में और मंदिर का दर्शन दिखाएंगे आपको। तो ये है आपके सामने मंदिर, इस जो पत्थर है इसके ऊपर है मंदिर, तो देखते हैं क्या है और अंदर क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है उधर, तो चलते हैं सीधा उधर ही। तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं मंदिर में, तो अभी तो इधर कार्यक्रम शुरू हो रहा है, अभी तो यहाँ पर तैयारी हो रही है पूजा की, और यहाँ पर दो मंदिर हैं, एक उधर भगवान शिव की जो शिवलिंग है उधर तो स्थापित है, लेकिन आज यहाँ पर नंदी बैल महाराज का की स्थापना होनी है, तो इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में यहाँ पर पहुँचे हैं, तो देख सकते हैं आप। और ये कुछ पत्थर से नीचे का जो व्यू है, इधर से लोग आ रहे हैं काफ़ी मात्रा में, कुछ देर बाद इधर आप देवता नाचेंगे तो दिखाते हैं आपको। जो भी नहीं हुआ फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं फिंदेश्वर महादेव, जो भूतले के फिंदेश्वर महादेव हैं उन मंदिर में, जो कि बड़े से पत्थर के बीच है, अच्छा मंदिर देख सकते हैं।
आपको। अभी कोहरा थे गाइस, हमारा एकदम सोना भाद वाला बहुत लगा है। तो आपने भूमियाल देवता के दर्शन कर लिए होंगे, तो तगड़ी वाली बारिश आ गई है इसमें, और लोगों ने छाते उड़े हैं। और भूमियाल देवता के लाइक दर्शन कर दीजिए आप, और वीडियो में लाइक कीजिए, और आप देख सकते हैं। और ये है नंदी महाराज की मूर्ति, और इसको यहाँ पर स्थापित करना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान जो शिव की शिवलिंग है वो यहाँ पर स्थापित की गई है। और गाइस देवता देखने के बाद हम यहाँ पर नीचे आते हैं, तो यहाँ पर खाने की पूरी व्यवस्था है। तो यहाँ पर छोला पूरी से लेकर रोटी, और आगे देख सकते हैं आप क्या क्या पकवान आते हैं। यह है पूरा छप्पर, और यहाँ पर हमने खाना खाया क्योंकि बारिश आ रही है बाहर। और यह है घी, पूरा एक करछी पूरी घी, और यहाँ पर एक गर्मा गर्म भात परोसा गया हमको, और ये उसके ऊपर छोले हैं, और फिर ये इसको बोलते हैं मीठा भात। और देखिए फिर से यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी इधर खाने की। और ये आपका हलवा आ गया, हलवा के बाद ये फिर से आप कड़ी। तो गाइस खाना खाने के बाद पहुंच चुके हैं हम वीर चंद्र सिंह गढ़वाले के समाधि स्थल पर, जहां से कुछ इस प्रकार का व्यू दिखता है। तो इनके जन्म की बात करें तो 25 दिसंबर सन 1891 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, जो कि माशो गांव है एक, वहां पर हुआ था। और जिस जगह पर हम अभी यहां पर खड़े हैं, यहां से 3 जिलों की सीमा होती है। और बाबा मोहन उत्तराखंडी की समाधि स्थल है, जिनका कि गैरसैन को आर्थिक राजधानी बनाने का सपना था। और ये देख सकते हैं आप, ये है वीर चंद्र सिंह गढ़वाले की समाधि। वीर चंद्र सिंह गढ़वाले एक महान नेता थे, जिन्होंने कि पेशावर कांड को अंजाम दिया था 23 अप्रैल 1930 ईस्वी को। और भारत माता की जय, भारत माता की जय। और गाइस यह प्राकृतिक झूला जो इधर रास्ते में मिला हमको। गाना ए नोना गाने या कुछ बजाए। तो गाइस दूधातुली की इन शानदार वादियों के बीच हम आपका स्वागत करते हैं। देखिए आप क्या नज़ारा आ रहा है इधर से, बहुत ही शानदार नज़ारा है इधर। और मौसम भी अभी ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो गया यहाँ के मौसम को देखकर। अरे देख सकते हैं आप, ये पूरा इधर ग्राउंड है, और वो पीछे वीर चंद्र सिंह गढ़वाले की जो समाधि स्थल है वो है। तो गाइस इसके बाद हम यहाँ सबसे घर को निकल जाएंगे, तो एंडिंग हम लोग यही यहीं पर करते हैं। तो
तो आशा करते हैं आपको ब्लॉग पसंद आया होगा और यहीं पर हम इस ब्लॉग की एंडिंग करते हैं और पूरा ब्लॉग देखने का अगर कैसा लगा, अगर आपने वीडियो आप यहाँ देख रहे हो तो मतलब आप हमारे सच्चे और अच्छे और प्यारे से पक्के सब्सक्राइबर हो। तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल पर पहले बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, राम राम।